हस्तिनापुर की पावन धरा पर स्थित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए चल रहे 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 33वें दिन स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री मुनि सेवा समिति गुना मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। सुमेरु पे जीने वरे नवन हो रहा नवन हो रहा है, सुमेरु पे जीने वर नवन हो रहा। प्रभु भक्ति में मने, प्रभु भक्ति में मनो मगन हो रहा है, सुमेरु पे जीने वर नवन हो रहा है। सुमेरु पे जीने वर नवन हो रहा, प्रभु भक्ति में मने, प्रभु भक्ति में मना मगन हो रहा है, सुमेरु पे जीने वर नवन हो रहा है। सुमेरु पे जीने वर नवन हो रहा। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री रविंद्र जैन, श्री अनमोल जैन ग्रेटर नोएडा, श्री मुनि सेवा समिति गुना को प्राप्त हुआ। मूर्ति भगवते श्रीमते ठेठे अस्माकम श्री शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले श्री मुनि सेवा समिति गुना मध्य प्रदेश निवासी सा परिवार से श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रविंद्र जी जैन, श्री अनमोल जैन, स्वाति जैन ग्रेटर नोएडा निवासी सा परिवार से समस्त इंद्र परिवार से इंद्राणी परिवार से समस्त उपस्थित सर्व महान बाबा से श्री सकल दिगंबर जैन समाज से श्रीनस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरह सर्व परम परमेश्वरी पवित्राय नमो नमः। ओम नमो ओम रिम प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्री मुनि सेवा समिति गुना ने किया। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, श्री आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी। और होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, श्री आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। रंग भर के तदुपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। 351 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रविंद्र जैन ग्रेटर नोएडा, श्रीमती कमला देवी जैन हस्तिनापुर, श्रीमती ओमवती खेमचंद, निशा, मुकेश, सुनीता, विनय, राधा, हरीश, कविता, अजय, मंजू, किशन, नीलू, मुकेश, मीरा, नरेश, सुरेश चंद, पुष्पा, संतोष, अतुल, रिंकी, अभिषेक, पूनम, अंकुश बागपतिया परिवार नदवई भरतपुर राजस्थान को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्रीमती रजनी गोयल लाल जी गोयल, सूर्य, प्रिया, मन्नू, अरुण, प्रतीक, राधिका, आर्या गोयल मुंबई ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्रीगण एवं श्रीमती पुष्पा जैन, वीनस, विवेक, शिखा, विशाल, अंश जैन, विवेक ज्वेलर्स, अम्बाह मुरैना मध्य प्रदेश, श्रीमती सूर्यकांता जैन, महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती प्रीति, संजय, बरखा, प्रवीण, प्राची, श्रेयांश, प्रियांश, गुनगुन जैन, संजू टेक्सटाइल्स, इचल करंजी कोल्हापुर ने पाठ का वाचन किया। सकल तुष्टि पुष्टि कराए, क्लीम महावीर अक्षर संहिताए, हृदय स्थित श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। सुंदर पित तेरा तन
इसलिए नहीं कोई तुम सा। स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति नाथ श्री कुंथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरेनाथ श्री मलिनमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री रंग बरसे तारे पार बाबा जी तेरे रंग बरसे आज विधान के मध्य संगीत की मधुर लहरी पर श्रीमती ललिता जैन श्री राजीव जैन काव्या पार्श्व ऋषित जैन उत्तम नगर दिल्ली ने भजन प्रस्तुत किया जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। हम गरीबों का कोई न सहारा है तुझे अपना समझ के पुकारा है जग से जो घड़ी जन्म की आई सब घड़ी जन्म की आई कि सर गोस देव आए कि सर गोस देव आए महावीर जी। आज हमें हसनापुर में कैलाश पर्वत पर श्री आदिनाथ भगवान के सामने भक्तांबर पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन अति प्रसन्न हुआ और जिनेंद्र प्रभु से यही प्रार्थना है कि सभी का कल्याण हो, सभी के मन में श्रद्धा भक्ति रहे और सभी सन्मार्ग पर चलते रहे। कैलाश मंदिर में भक्तांबर जी का विधान चल रहा है 48 दिनों का और उसमें आप सब भी शामिल होकर पुण्य अर्जन लाभ प्राप्त करें और हम सभी परिवार सहित आके हम सब ने यहाँ पर पाठ किया है और हमें बहुत ही आनंद आया है। इसी तरह आप सब लोग भी आएं और इस पाठ को करें और करावें। और यहाँ पे हमने आज शांति धारा करी है, हमने आज है ना यहाँ भक्तांबर का पाठ किया, कहला बहुत अच्छा लगा हमें और निर्माण लड्डू भी चढ़ाया है चंद्रप्रभु भगवान का और शांति धारा की है। यहाँ हसनापुर में 48 दिवसीय भक्तांबर विधान चल रहा है, आज पाठ का 33वां दिन है। आज भगवान चंद्र प्रभु भगवान का हमने निर्वाण लड्डू चढ़ाया, सबको बहुत आनंद आया। 5 अप्रैल को आदिनाथ भगवान का जन कल्याणक है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप आए और भक्तांबर विधान कराएं। सादर जय जिनेंद्र। मंदारी सुंदर नमी रुसु पारी जाता संतानी का दिकुसिमो करी ब्रेष्टि रूता गंदो दे बिंदु शुभे मैं दिमै रूत प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते पचि साम ततीर्वा। जय जिनेंद्र। विधान का विसर्जन श्रीमती मनोरमा जैन श्री मुकेश जैन भोगल दिल्ली ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती मधु जैन श्री अनिल जैन दिल्ली ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री विजय जैन बैंक वाले मेरठ ने किया। 2400 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री अनिल जैन बड़ौत के द्वारा किया गया। छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे सब सुंदर नाचे रे ओ आदिनाथ की आरती में सब सुंदर नाचे रे।
नाभिराय के लाडले मरु देवी के लाल नाभिराय के लाडले मरु देवी के लाल आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे संसार में अगर देखा जाए तो एक ईश्वर का नाम ही सत्य है। इसके अलावा जो भी अपने को दिख रहा है वह सब झूठा है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो मरने पर क्या बोला जाता है, राम नाम सत्य है। ओम ओम क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि कहा जाता है भी एक भगवान का नाम ही है जो अपने साथ जाने वाला है। सिकंदर गया, भरत चक्रवर्ती गए, अनेक राजा गए, लेकिन सब कैसे गए, खाली हाथ ही गए, लेकिन एक चीज लेकर गए, अपने कर्मों को अपने साथ लेकर गए। जैसे पुराणों में दो उदाहरण मिलती हैं, एक जटायु पक्षी की, एक भीष्म पितामह की। कहते हैं इन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब जटायु रावण से लड़ते लड़ते उसके दोनों पर कट गए तो कहते काल जटायु को लेने आता है, तो जटायु कहता है मुझे अभी एक जरूरी काम करना है, मुझे राम जी को सीता का संदेशा देना है, भी रावण उनको हरण करके ले गया है। और एक भीष्म पितामह थे जो रणभूमि में तीरों की शैया पर लेटे हैं, उनको भूख प्यास लग रही है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जटायु पक्षी जब मरण के समय में भी था तो खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि उसके पास श्री राम जी थे, मरते हुए भी उसे प्रभु की शरण मिल गई। और एक जब भीष्म पितामह रो रहे थे तो वो उनकी आंखों में आंसू थे। जब भीष्म पितामह मर रहे थे तब भीष्म पितामह रो रहे थे और श्री कृष्ण जी हंस रहे थे। तो कर्म कहते हैं, आचार्य बताते हैं ये सब कर्मों का खेल है। भी जब भीष्म पितामह द्रौपदी का चीर हरण देख रहे थे, अगर वो चाहते तो उस समय द्रौपदी कौरवों को रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, इसीलिए उनको मरते हुए भी इतनी वेदना सहन पड़ी। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को मनोरमा जैन, श्री मुकेश जैन दिल्ली एवं श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री कुणाल जैन तेल वाले सरधना, श्री नवीन जैन सर्राफ जैना ज्वेलर्स मेरठ शहर, श्री अनिल जैन रुड़की, श्री धन प्रकाश जैन गाजियाबाद का विशेष सहयोग रहा। बीच लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो बाबा का जयकारा ना बोले, जो बाबा का जयकारा ना बोले।